यूथ थ्री एंटरटेनमेंट चैनल में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ काबली पुलाव की इजी और सिंपल रेसिपी। आधा किलो मटन के लिए हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 बड़ी प्याज, 2 अदद गाजरें जिनको आप जूलियन कटिंग कर लें, 2 टेबलस्पून शुगर, 15 से 16 अदद जो है वो किशमिश है, और साबुत मसालों में है 2 टेबलस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा बादियान का, 1 टुकड़ा जायफल का और 1 टुकड़ा छोटा सा जवंत्री का। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। 2 टेबलस्पून ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें हम अपनी गाजर डालेंगे। शुगर ऐड कर देंगे और किशमिश ऐड कर देंगे। इसको हम लोगों ने कैरामेलाइज करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम सौते करेंगे ताकि थोड़ा सा कैरामेलाइज इफेक्ट आ जाए। हम लोगों ने बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, मैंने इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जीरा डाल दी है। तो आप चटुबटे का इस्तेमाल करें, थोड़ा ट्रेडिशनल वे में इसका जायका जो है वो बहुत ज्यादा उभर के आता है। कोर्सली आपने इसका पाउडर बनाना है, तो चटुबटे में बहुत अच्छा पाउडर बनता है। ये कैरामलाइज हो गई है हमारी, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। सॉफ्ट आपने इसको करना है, ठीक है। अब आप दूसरी तरफ आ जाए। ये आपने 1/2 kg मटन लिया है, बोनलेस भी है और साथ बोन भी है। सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज को जो है वो बारीक बारीक काट के सौते कर लिया। उसके बाद हमने इसमें मटन ऐड करके थोड़ा सा इसको भूनना है। इसमें अब हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये जो हमने बादियान का फूल, जायफल, जवंत्री जो ऐड रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने जो पाउडर बनाया था अपना, इसका जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची का पाउडर जो हमने कोर्सली बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने इसको इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। बहुत ज्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं होते, बस इसमें जितने कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं उतना जो है वो काबली पुलाव मजेदार बनता है। स्पाइस के लिए आप थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो हम बाद में ऐड करेंगे जब हम राइस डालने लगेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है। फिर इसमें गर्म पानी डाल के हम कुकर कर लेंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाएगा। तो गोश्त गलने के बाद हम आपसे मिलते हैं। गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल गया था, आप देख सकते हैं। इसमें जो है वो हमारे पास ये 1.5 ग्लास राइस है, तो मैंने फिर 3 ग्लास पानी डाले। जितने राइस होते हैं उतना डबल पानी डालें तो बहुत अच्छा जो है वो चावलों का टेक्सचर आता है। इसमें जब पानी बॉयल हो गया है, अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। इसमें जो ये गाजरें और किशमिश फ्राई की थी हम लोगों ने, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छा सा चमचे से जो है वो हिला लें। अब चावल गलने तक जो है हम इसका वेट करेंगे, उसके बाद 5 मिनट्स दम देकर मैं डिश आउट करूंगी, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये आप देख सकते हैं राइस कितने अच्छे से जो है वो गल गए। इसके बाद 5 मिनट्स के लिए हम इसको सिमर करेंगे कवर करके। उसके बाद हम लोगों का काबली पुलाव जो है वो
रेडी हो जाएगा। तो रेडी डिश के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एक काबली पुलाव मैंने डिश आउट किया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई विश आप इस फ्रेग्रेंस को, इस अरोमे को जो है आप स्मेल कर पाते, लेकिन आप घर में बनाइएगा इस डिश को और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मटन का काबली पुलाव आपके सामने है।